हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी एकेडमी। तो आज हम देखेंगे कि इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, एक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा एक प्लस बी डिवाइडेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह की इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। सो पे कंसंट्रेट, पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पहला ये जो है इसके बेस पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि 5x-2 1 प्लस 2x+3x² dx इस तरह है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो है यहाँ 5x-2 यहाँ पे करेंगे पुट, क्या करेंगे 5x-2 इक्वल टू a इंटू फिर d/dx, x के रिस्पेक्ट में नीचे वाला का हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो 1 प्लस 2x+3x² + में हमको क्या लेना है, b लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर से इसको अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 5x-2 इक्वल टू यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन क्या होगा, 0, फिर 2x का 2 और प्लस 3x² का 6x प्लस में फिर भी है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5x-2 ये क्या हो जाएगा 2a, तो इसको हम लेते हैं, अच्छा लिख ही लेते हैं 2a प्लस 6xa, 6xa प्लस में यहाँ पर क्या है, b है। ठीक, तो हम कांस्टेंट वाले को एक साइड रखते हैं और x वाले को हम एक साइड रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x-2 है और यहाँ पर 6a इंटू ए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a+b। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ पर बराबर करेंगे x वाले को, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ x इक्वलिटी इक्वेटिंग ऑफ यहां पर आप ऐसा लिखिए, मतलब x का मान जो है दोनों साइड इसको हम बराबर करेंगे, इसको डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 5 है और यहां पर क्या है x और यहां पर क्या x है, तो 6a और यहां पर 5, तो 6a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यहां पर 9 डाल के लिख लीजिए आप 9, तो 6a इक्वल टू क्या होगा 5, तो a इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर देख लीजिए हम x वाले को क्या किया है, कंपैरिजन करके दोनों साइड हम यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमको कांस्टेंट को कंपैरिजन करके हमको 2a+b को -2 बराबर करना है और यहाँ से b का वैल्यू निकालना है। तो 2a+b इक्वल टू ऊपर कांस्टेंट में क्या -2 है। ठीक है, देखिए मेरा एक वैल्यू क्या है 5/6, तो 2 × 5/6+b इक्वल टू -2 है और ये क्या 2, 3, फिर ये इधर आएगा तो इसको ही उधर लेके चल, ये तो क्या है 5/3+b = -2 - 5/3 क्या होगा -6 और -5/3, तो -6 - 5 = 11, तो -11/3 मेरा a और b का वैल्यू निकल चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पर यानी कि यहाँ पर 5x-2 की जगह पर इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको नोट करिए उसके बाद हम बताते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 5x-2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ तक का जो है ये वाला यहाँ पर जिसको डीसी निकाले हैं, तो 5x-2 यहाँ पर भी है और इसके जगह पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, 5x-2 इसके बराबर है, इसके बराबर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो कीजिए क्या है, a इंटू 2x 2+6x, a इंटू 6x+2+b डिवाइड में दिया, इसको लिखना है 1+2x+3x² और यहाँ पर dx है। अब हम a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए
निकाले हैं, यहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। एक वैल्यू बना क्या है, 5 6 है और यहाँ पर 6x+2। बी की वैल्यू क्या है, -11/3। वन प्लस 2x+3x2। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे हम। (5/6) (6x+2) हो गया। यहाँ पर dx लगेंगे फिर प्लस देंगे, इसको यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं। और यहाँ पर भी 1+2x+3x2 और यहाँ पर dx। एक बार और इसको हम लिखते हैं, देखिए 5/6 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर में 6x+2 है, 1+2x+3x2 ठीक। और यहाँ पर क्या है, dx है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 11/3 को हम बाहर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट है, 1/(1+2x+3x2) dx। अब यहाँ पर देखिए यहाँ का जो सोल्यूशन है ये i इक्वल टू है मेरा, इंटीग्रेशन का यहाँ से वैल्यू आएगा i, तो यहाँ क्या होगा 5/6। नीचे में अगर ऊपर वाला का जो है डीसी रहे, देखिए इसका डीसी निकाले दिए भी वैल्यू आ जाएगा, अगर ऊपर वाला का नीचे डीसी रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, लॉग लगा के लिख लेते हैं, लॉग 1+2x+3x2 ठीक है। अब तो देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तभी आएगा ना, तो -11/3 1/(1+2x+3x2) और यहाँ पर क्या है, dx है, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, 1+2x+। अभी एक काट निकल के हमको बचा है इसका निकालना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद हम आगे से निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्लेस बहुत कम है। देखिए हम यहाँ तक सॉल्व करके ले आए हैं ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम इसको फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, i इक्वल टू, हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, i इक्वल टू 5/6 log 1+2x+3x2 माइनस, इसको हम i1 लिख लेते हैं, ये पूरा टर्म्स को i1 लिख लेते हैं। तो हम फिर सॉल्व करेंगे, i1 = -11/3। आप यहाँ पर इस माइनस को रहने दीजिए ठीक है, सिर्फ हम 11/3 करते हैं, 11/3, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन 1+2x+3x2 dx है। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको हम सही से लिख रहे हैं, 3x² + 2x+1 है। इसको देखिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x² है, हमको इसको a+b को होल स्क्वायर टर्म्स में लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको a+b को होल स्क्वायर टर्म्स लाना है। इसके कहने का मतलब क्या, कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है x² + a² इस तरह से है, हम इसी को क्या बोल रहे हैं कि a+b को होल स्क्वायर ग्रुप में लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब भी आएगा तो a+b को होल स्क्वायर ग्रुप में आएगा। देखिए क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, कभी तो x+1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, प्लस में एक जगह कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है इस तरह से, तो आगे इस तरह में, तो उसी को हम इस तरह से देखिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 11/3 इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, तो x² + 2x/3 + 1/3, इसमें किसी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2x/3 होगा यहाँ पर,
इसको देखिए सोल्यूशन करते हैं। अगर यहाँ से 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो क्या होगा आई वन इंटू 11 डिवाइडेड 9, 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, और देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड 3 हो सकता है क्या ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई, इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर 2x ऐसा है, अगर 2x बाई 3 है, इसको हमेशा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 डिवाइडेड 3, इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2x बाई 3 आ जाता है इस तरह से, ठीक कितना आ गया, तो मेरा 2ab, b के टर्म्स में क्या है 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, अब फिर देखिए इधर क्या है बगल में 1 प्लस 1 बाई 3 है, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या होगा dx। तो अब देखिए यहाँ पर 11 डिवाइडेड 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म्स हम क्या ले सकते हैं, x प्लस 1 बाई 3 लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 डिवाइडेड 3, स्पेस कम होने की वजह से प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, x प्लस 1 डिवाइडेड 3 का स्क्वायर, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड 9 माइनस में और प्लस में 1 डिवाइडेड 3, और सॉरी यहाँ पर 3 होगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये एक साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस सही तरीके सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड 9, तो 2 डिवाइडेड 9 आएगा, तो पूरे को हम प्लस में यहाँ क्या क्या ले सकते हैं 11 डिवाइडेड 9 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड 3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए इसको हम स्क्वायर रूप में लिखना चाहेंगे तो रूट 2 डिवाइडेड 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, रूट 2 डिवाइडेड 3 का स्क्वायर, इसमें किसी की तरह प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मेरा किस तरह का फॉर्म में आया है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वो किस तरह फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर डी एक्स है, क्या लिखेंगे 1 बाई ए और टेन वर्स एक्स वाई ए प्लस में सी, तो ये पूरा मान के लिए मेरा एक्स और ये क्या है ए है इस तरह से, ठीक है इसको नोट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करके ये आई वन का वैल्यू है, यहाँ तक कम उसको क्लीन कर दिया है, तो हम फिर से यहाँ क्या लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू देखिए 11 डिवाइडेड 9 है, ठीक इसका देखिए यहाँ से निकलेगा ये किस रूप में, इस रूप में है ये मान लीजिए पूरा ये x है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है ये है बीच वाला अंदर वाला आइटम्स, इसको हम किस तरह लिखेंगे पहले 1 बाई ए यानी कि रूट 2 डिवाइडेड 3, 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड 3 इस तरह से मल्टीप्लाई दीजिए 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड 3, फिर टेन वर्स है तो टेन वर्स लगाइए, एक्स है तो एक्स के टर्म्स में क्या है एक्स प्लस 1 बाई 3 आएगा इस तरह से, ए के टर्म्स में क्या आएगा रूट 2 डिवाइडेड 3 और प्लस में सी, ठीक अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ये ऊपर जाएगा 3 ऊपर जाएगा ये कट जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, तो मेरा क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड 3 रूट 2 टेन वर्स, अब देखिए इसको अगर आप मतलब सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड रूट 2 प्लस में से, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा फिर 3 ये कट जाएगा, ठीक है रूट 2 ही बचेगा, तो i1 की जगह यहाँ पर देखिए जो हम लिखे हैं यहाँ पर i1, तो मेरा i1 इक्वल टू क्या आया ये आया है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो i इक्वल टू हेंस यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस i इक्वल टू 5 डिवाइडेड 6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 डिवाइडेड 3 रूट 2 टेन वर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड रूट 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर है इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा यहाँ पर देखिए ये तो इस टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पर क्या यहाँ पर देखिए इस
क्वाड्रिक यहाँ पर जो है पॉलीनोमियल यानी कि ये जो बहुपद है यहाँ पर तो प्लस है, तो जैसे ही यहाँ पर प्लस है तो ये तो इस टर्म्स में आ जाएगा, 1 डिवाइडेड ax² + a² dx, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये तो ऐसा टर्म्स में आएगा a² - x² के टर्म्स में dx, या x² - a² टर्म्स में आएगा। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आप दिमाग में रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको, अब ऐसा मेरा इंटीग्रेशन है ax + b√x² + bx + c, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम उसी तरीका को हम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, x+2 फिर √ क्या है x² + 2x + 3 और dx है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x+2 = x² यहाँ पर a लगा करके dx और प्लस में b, तो यहाँ पर आप देख लीजिए x+2 = a * यहाँ पर 2x होगा ये, फिर 2x का 2 और फिर 3 का 0 हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें x+2 * x 2x * a + 2a + b। अब देखिए यहाँ पर कोफिशियंट वाला एक्स के कोफिशियंट को हम बराबर करेंगे और यहाँ पर कॉन्स्टेंट को हम बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2a, यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है, x का कोफिशियंट कितना होगा 1, तो x यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है 2a, तो 2a = यहाँ पर 1, तो a = क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर देख लीजिए 2a + b है और = 2 है, a का मेरा क्या वैल्यू आया है 1/2, तो 2 × 1/2 और प्लस b = 2 है, ये 2 2 कट जाएगा, तो b = 2, ये 1 उधर जाएगा, 2 - 1 1 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं a और b का वैल्यू निकल गया है, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ये x+2 को जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे a * 2x + 2 + b और नीचे अंडर रूट में क्या है x² + 2x + 3 है और यहाँ पर dx है। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू क्या है 1/2 है और 2x + 2 और नीचे में यहाँ पर क्या है और यहाँ पर b का वैल्यू 1 है, √2x + 3 ऊपर dx है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम फिर अलग अलग लिखेंगे, इसको इस बार इसमें डिवाइड करेंगे और इसको 1 में भी एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और ये पहले ये 1/2 है, इसको कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 2x + 2 यहाँ लिखेंगे x² + अच्छे से लिख लीजिए x² + 2x + 3 यहाँ पर dx, फिर प्लस देखिए ये आएगा 1/√x² + 2x + 3 फिर dx होगा यहाँ पर। देखिए इसका डीसी लेने के बाद ऊपर वाला डीसी आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर तो लेकिन रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है तो क्या होगा, ये अगर ऊपर वाला डी से नीचे रहे तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें लॉग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लेट करते हैं x² + 2x + 3 = z, तो वो क्या आता है कि 2x + 2 dx = dz आ गया। ऊपर वाला में यहाँ पर हमको क्या यहाँ पर देख लीजिए तो 1/2, तो इसको लेट किया है यहाँ पर, ये वाला कंसोलेशन नहीं किया है, ऐसा आप सोच सकते हैं, हम आपको इसको थोड़ा फास्ट में बताने की कोशिश किए हैं, अगर नीचे वाला ऐसा के रूप में रहे 1/√z, इसको हम क्या लिखते हैं 2√z, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका भी फंडा यही पर ऐसा ही होगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू टू टू रूट क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और प्लस में इधर क्या है 1/√x²+2x+3 और यहाँ पर dx है, देखिए ये टू टू कट जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा √x²+2x+3। फिर प्लस में इसको हम सोल्यूशन करेंगे कैसे, x²+2 × x × 1 फिर 1 का बिग जगह क्या है 1 तो स्क्वायर स्क्वायर, फिर एक बार माइनस करेंगे फिर प्लस में क्या है 3 और dx। ठीक है, यहां पर देख लीजिए यहां से यहां तक कब क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b² ये क्या हो जाएगा मेरा x²+2x+3 प्लस ये मेरा हो जाएगा √x+1² ठीक है। और देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 - 1 + 3 2 होगा और 2 को हम स्क्वायर रूट में लिखना चाहते हैं तो +√2 dx। ठीक, अब देखिए √x²+a² है, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अगर 1/√x²a² dx है इसको क्या करना है log x+√ यही लिखना है x²+a² + 3 इस तरह से, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे i√x²+2x+3 प्लस में ये वाला टर्म्स लिखना है log x+1 क्योंकि x+1 फिर हमको ये पूरा टर्म्स लिखना है, पूरा टर्म्स लिखने के मतलब जो है यही इसी को हम सॉल्व करके ऐसा लाए हैं तो इसी को लिख लेते हैं प्लस। मेरा ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए।